हे नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक में। देखिए अभी हम यूपी पुलिस एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ दे रहे हैं, जैसे मैथ के क्रैश कोर्स, जीके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़, प्लस आपके हिंदी के लिए क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। तो देखिए अभी हम इस वीडियो में कुछ राज्यों के प्रमुख स्लोगन्स के देखेंगे, जैसे पुलिस के हर राज्यों के पुलिस के कुछ प्रमुख स्लोगन होते हैं और कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें करंट के एग्जामों में पूछा जा रहा है, और ये जो राज्यों के प्रमुख स्लोगन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस के एग्जाम में, एसआई के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के एग्जाम में, ये कई बार पूछा गया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए वीडियो बनाने मैं बात करूँ तो मैं आ गया हूँ घर और यहाँ पर हो रही है वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ के अगल बगल दो जगह पे माँ दुर्गा की प्रतिमा बैठाई गई है और यहाँ पे क्या होता है ना, जिससे प्रतिमा बैठाने के बाद बड़े बड़े साउंड चल रहे हैं, तो इससे हो रही प्रॉब्लम। शायद बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत आपको वॉइस मिल रही होगी, अभी शांत था थोड़ा और दूर वाला जो प्रतिमा बैठा है वो वहाँ पे बज रही है, तो वहाँ पे पता नहीं क्या गम बजा रहे हैं। कोई मतलब नहीं होता इनका दिन में बजाने का, लेकिन फिर भी ये चालू रहते, कोई मतलब नहीं है उनसे। और हमारा एग्जाम है 26-27 को, तो हमें उस पर फोकस करना है, ठीक है। अभी है दशहरा, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत एक दिन घूम लीजिएगा आप भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा फोकस अभी स्टडी पे लगाइए, क्योंकि मेन टारगेट वही है। अगर जो हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो गया, एग्जाम अच्छे से हो गया, तो हमारी हर साल अच्छे से दशहरा दिवाली, वही हमारा सिलेक्शन ही हमारा दशहरा, वही सिलेक्शन ही हमारा दिवाली होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और जाते जाते एक कॉमेंट अच्छे से करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग मेरे कोर्सेज जो है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं, करना ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस पर बात कर अनअकैडमी पर यूपी ट्रिपल एससी रेलवे के बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो कर लीजिए। देखिए बात करूँ मेरी, तो मैं वीडियो बना सकता हूँ साउंड में भी, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में वो नॉइस आएगा साउंड का, और ये होता ना इसमें क्या होता, थोड़ी सी भी ये यूट्यूब पकड़ लेता तो उसमें कॉपीराइट का स्ट्राइक डाल देता, तो ये मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो में कॉपीराइट आए, क्योंकि सारे कंटेंट मेरे होते हैं, और तो इसलिए मैं ये साउंड के साथ वीडियो नहीं बनाता। तो अभी गम गम के बज रहा तो उसमें कोई मतलब नहीं, चलिए देखते हैं शुरू करते, कोई दिक्कत नहीं एक वीडियो में कॉपीराइट आ जाए, लेकिन आप लोगों का अच्छा हो जाए, तो चलिए चलते हैं शुरू करते हैं। तो राज्यों के प्रमुख स्लोगन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो हमारी जो उत्तर प्रदेश पुलिस से यूपी पुलिस है, उसका अभी यूपी पुलिस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यूपी पुलिस किसी भी चलते फिरते को कुछ भी कर सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये स्लोगन है उत्तर प्रदेश पुलिस का, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजस्थान पुलिस की बात करें तो सेवार्थ कटिबद्धता, ठीक है, सेवार्थ कटिबद्धता। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजस्थान पुलिस का जो स्लोगन है वो क्या है, तो आप कहेंगे सेवार्थ कटिबद्धता, ऑप्शन में आएगा। मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी के एग्जामों में मध्य प्रदेश के ज्यादातर पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें देशभक्ति जनसेवा, ये मध्य प्रदेश पुलिस का टैगलाइन है, देशभक्ति जनसेवा। आंध्र प्रदेश की पुलिस की बात करें तो सत्यमेव जयते, और दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली भी इंपॉर्टेंट है, शांति निस्वार्थ सेवा न्याय। तो ये सारे हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट पुलिस के स्लोगन। अभी हम देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर, देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर मैं बता दे रहा हूँ, ब्रांड एम्बेसडर के लिए एक अलग से मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें बहुत सारे मैं आपको कवर करने वाला हूँ, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं, मोस्ट आईएमपी वाले मैं देख लेते हैं, उसके बाद एक अलग वीडियो आपको कल मिल जाएगा ब्रांड एम्बेसडर के, मैं बना के वीडियो रात में रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि रात में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 12-1 बजे रात में तो ये डीजे वाले डीजे बजाएंगे, उसके बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ये साले ये सब डीजे ही बजा रहे हैं, तो वीडियो बनाने के लिए रात में ही समय निकालना पड़ेगा। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए जागता हूँ 3-4 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अतुल्य भारत अभियान की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी आपके ब्रांड एम्बेसडर है अतुल्य भारत अभियान के। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन की बात करें तो अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। दरवाजा बंद अभियान, अभी देखिए इसके जो एडवर्टीज, देखिए बहुत सारे जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो टीवी देखने में आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि टीवी में उनके एड्स आते हैं, तो अभी देखे होंगे दरवाजा बंद अभियान के जो शौचालय से रिलेटेड एड्स आ रहे थे अमिताभ बच्चन अनुष्का शर्मा से, तो दरवाजा बंद अभियान टॉयलेट शौचालय से रिलेटेड है, कि मतलब खुले में शौच आपको नहीं करना है, तो अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा से रिलेटेड इसके हैं ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, दिया मिर्जा है इसकी, ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छ रेल मिशन की बात करें तो बिंदेश्वरी पाठक, देखिए बिंदेश्वरी पाठक बहुत मतलब फेमस हस्ती हैं, इन्होंने शौचालय बनवाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो बिंदेश्वरी पाठक को स्वच्छ रेल मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। यूनिसेफ की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा, देखिए यूनिसेफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पर देखिए यूनिसेफ कैसे अभी करंटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे प्रियंका चोपड़ा जी अभी गई थी आपके शरणार्थियों से मिलने जो रोहिंग्या है, तो वहाँ पर गई थी, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट
ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो प्रियंका चोपड़ा जी हैं। असम पर्यटन की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा जी असम पर्यटन के हैं। स्किल इंडिया की बात करें तो स्किल इंडिया अभियान की प्रियंका चोपड़ा ब्रांड एम्बेसडर। तो तीन चीज़ें हैं, असम पर्यटन, यूनिसेफ और स्किल इंडिया, तो प्रियंका चोपड़ा जी इसकी ब्रांड एम्बेसडर। निर्मल भारत अभियान की बात करें तो विद्या बालान जी हैं। पेप्सिको की बात करें तो पीवी सिंधु है पेप्सिको की। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की बात करें तो एमसी मैरीकॉम। पीएनबी बैंक के विराट कोहली हैं सीईओ। स्वच्छ भारत अभियान शिल्पा शेट्टी। माँ अभियान की बात करें तो माधुरी दीक्षित। और लास्ट है स्वच्छ सारथी कार्यक्रम की दिया मिर्जा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। कल हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे ब्रांड एम्बेसडर के, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर। अभी करंट के एग्जामों में जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड चेंज हुए तो उसी के रिलेटेड आपको ब्रांड एम्बेसडर इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जैसे फेसबुक सीईओ और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जैसे बाटा हो गया, ठीक है, ट्रैक्टर की बहुत सारी कंपनी, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम कल वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।